नमस्कार दोस्तों, स्पेशल टेक्नो चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो ऑर्डनेंस फैक्ट्री प्रीवियस पेपर का ये 20 पार्ट है। जैसा कि आपको पता है, आज आपका ऑर्डनेंस फैक्ट्री का पेपर है, तो आज जो लास्ट पार्ट है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूजन हो जाता है उन क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे 84 क्वेश्चन तक हमने इससे पिछले वाले पार्ट में 19 पार्ट में कंप्लीट करा चुके थे। तो आज 85 जो है वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए, यह बोल रहा है, एकल बिंदु उच्च गति इस्पात औजार में मृदु इस्पात की मशीनिंग की औसत काट गति है, यानी द एवरेज कटिंग स्पीड इन मशीनिंग माइल्ड स्टील बॉय सिंगल पॉइंट हाई स्पीड स्टील टूल इज। हाई स्पीड स्टील टूल से यदि हमको माइल्ड स्टील को काटना हो तो उसके लिए औसत स्पीड, औसत गति कितनी रखी जाएगी, जो कटिंग स्पीड है। तो हाई स्पीड स्टील टूल से जब हम माइल्ड स्टील की मशीनिंग करते हैं तो औसत स्पीड 35 मीटर प्रति मिनट रखा जाता है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो दे रहा है, 86 क्वेश्चन है, लेथ स्पंडल में होता है। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है और कन्फ्यूजन के कारण गलत हो जाता है। यह खासकर फिटर और मशीनिस्ट वाले अधिकतर इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, चूँकि लेथ के बारे में उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो जो लेथ स्पेंडल होता है उसमें यदि वह पूछता है, लेथ स्पेंडल में आंतरिक और बाहर दोनों टेपर होता है, वो मोर्स टेपर होता है। यदि वह आंतरिक टेपर पूछे या बाहरी टेपर पूछे तो वह मोर्स टेपर होगा, लेकिन यदि वह थ्रेड की बात करता है तो वह हमारी बाहरी थ्रेड होती है जिस पर हम लेथ चक या फेस प्लेट को माउंट करते हैं, जिस थ्रेड के जरिए वह लेथ स्पेंडल पर होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक्सटर्नल थ्रेड। लेथ स्पेंडल हैज गॉट, तो एक्सटर्नल थ्रेड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो 87 क्वेश्चन जो निकल के आया वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो मशीन औजार में खटखट की आवाज़ होने का कारण है, इन मशीन टूल्स चैटर इज ड्यू टू, जो मशीन टूल्स में जो चैटर होते हैं वह किस प्रकार के वाइब्रेशन के कारण चैटर आते हैं। क्या वह फ्री वाइब्रेशन होता है, या रैंडम वाइब्रेशन, या फोर्स्ड वाइब्रेशन, या सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन। दोस्तों, जो इस प्रकार के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं वह आपकी ITI की बुक्स में नहीं मिलते हैं, या डिप्लोमा से कुछ क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स पेपर में देता है उन क्वेश्चन को मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर कराता जा रहा हूं। जो काफ़ी ज़्यादा थोड़े हार्ड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को काफ़ी रॉन्ग हो जाते हैं, इनकी वजह से आपका एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाता है। अभी मैं चैनल पर उस प्रकार के क्वेश्चन डाल रहा हूं, इससे पहले भी 19 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, ये 20 पार्ट है। तो देखिए, इन मशीन टूल्स चैटर इज ड्यू टू, तो जो मशीन टूल्स में जो चैटर होते हैं वह सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन के कारण होते हैं, स्वयं निर्मित कंपन के द्वारा। जो ऑटोमेटिकली जो कंपन होता है मशीन में, जब हम किसी भी जॉब में कट लगाते हैं, फीड देते हैं, तो जो कंपन होता है वह सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन के कारण हमारे चैटर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 88 क्वेश्चन, लेथ में कैरिज और टेलीस्टॉक निर्देशित होता है। यह काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है और हर टेक्निकल एग्जाम्स में इसको पूछ लेता है। जो लेथ मशीन में जो कैरिज है और टेलीस्टॉक है वह किस प्रकार की गाइडवेज पर स्लाइड करते हैं। जो लेथ बेड है वह हमारा कॉम्बिनेशन गाइडवेज, कॉम्बिनेशन लेथ बेड की बात कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन बेड में क्या होता है, फ्लैट और भी गाइडवेज के दो सेट होते हैं, दो फ्लैट गाइडवेज और दो भी गाइडवेज होते हैं। तो जो हमारा लेथ कैरेज है वह एक फ्लैट गाइडवेज और एक भी गाइडवेज पर, और जो टेलीस्टॉक है वह भी एक फ्लैट गाइडवेज और एक भी गाइडवेज पर स्लाइड करता है, और दोनों के फ्लैट गाइडवेज और भी गाइडवेज अलग अलग होते हैं। चूँकि कॉम्बिनेशन बेड में फ्लैट गाइडवेज और भी गाइडवेज के दो सेट होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो क्वेश्चन पूछा है, इन लेथ द कैरिज एंड टेलीस्टॉक आर गाइड ऑन सेम गाइडवेज या डिफरेंट गाइडवेज या बोथ ए एंड वी या नॉन ऑफ दिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लेथ का कैरिज एंड टेलीस्टॉक जो है वह डिफरेंट गाइडवेज पर स्लाइड करते हैं, अलग अलग गाइडवेज पर स्लाइड करते हैं, चूँकि कॉम्बिनेशन बेड में हमारे फ्लैट गाइडवेज और भी गाइडवेज के दो सेट दिए होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, वह फीड से संबंधित है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फीड निर्भर करता है, फीड डिपेंड्स ओपन, जो फीड है
जो वर्क्स में जब कटिंग करते टाइम जो फीड देते हैं वह किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कट की गहराई के ऊपर? तो बिल्कुल कट की गहराई के ऊपर डिपेंड करेगा। मशीन की दृढ़ता, मशीन की मजबूती, रिजिडिटी ऑफ मशीन, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और फिनिश रिक्वायर्ड, किस तरह की फिनिश आपको वर्कपीस के ऊपर चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आप ये चित फिनिश पर, तो देखिए डी ऑप्शन दे रहा है ऑल ऑफ दिस, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ कट फॉर रफिंग ऑपरेशन एज कंपेयर्ड टू फिनिशिंग ऑपरेशन इज, वह पूछ रहा है फिनिशिंग काम की तुलना में रफिंग काम के लिए कट की गहराई देंगे। जब हम फिनिश काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम कट की गहराई कम दी जाती है और रफ काम के लिए कट की गहराई अधिक रखी जाती है। तो जैसा कि वह पूछ रहा है फिनिश काम की तुलना में रफ काम की गहराई की कट की गहराई क्या रखेंगे, तो अधिक रखेंगे, क्योंकि रफ के लिए अधिक और फिनिशिंग के लिए डेप्थ ऑफ कट कम रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप 91 क्वेश्चन देख रहे होंगे, डेप्थ ऑफ कट डिपेंड ऑन, डेप्थ ऑफ कट यानी कट की गहराई निर्भर करती है काटने की गति पर, तो बिल्कुल औजार सामग्री पर, मशीनन औजार की मजबूती पर, या इन सभी पर? तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह सभी के ऊपर डिपेंड करती है कट की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, चिप प्रवाह नियंत्रण करने के लिए किसी एकल बिंदु औजार में प्रदत्त कोण है, तो ये मैं कटिंग एंगल्स के बारे में, सिंगल पॉइंट टूल के साइड रैक एंगल, बैक रैक कोण, एंड रिलीफ कोण, साइड रिलीफ कोण, इन सभी एंगल्स को मैं अपनी एक वीडियोस में क्लियर करा चुका हूँ, जिसका टूल सिग्नेचर के नाम से मैं वीडियो डाला हूँ, टूल सिग्नेचर एंड कटिंग टूल्स एंगल्स के नाम से जो वीडियो डाला हूँ। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके, यहाँ आप देख रहे होगे एक आई बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं और उससे ये सभी एंगल्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं, एंगल प्रोवाइडेड इन सिंगल पॉइंट टूल टू कंट्रोल चिप फ्लो, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर जो एंगल्स दिए जाते हैं वह कौन सा एंगल्स है जो कि चिप फ्लो को, चिप्स के बहाव को कंट्रोल करता है, चिप्स के बहाव को नियंत्रित करता है? तो बैक रैक एंगल जो है वह हमारे चिप्स के बहाव को कंट्रोल करता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ सेपर और प्लेनर पर प्रयुक्त काटने का औजार है क्या, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एकल बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु या बहु बिंदु? तो कटिंग टूल यूज्ड ऑन लेथ सेपर एंड प्लेनर, तो लेथ मशीन, सेपर मशीन और प्लेनर मशीन पर जो कटिंग टूल यूज करते हैं वह हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जो कि हार्ड कैटेगरी में आता है, थोड़ा सीमेंटेड कार्बाइड औजार में प्रयुक्त बंधक है, यानी बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स इज, तो जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल में जो बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है वह कोबाल्ट को किया जाता है बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका कोबाल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, सीमेंटेड कार्बाइड औजार सामान्यतः कमजोर होता है, सीमेंटेड कार्बाइड औजार किस फोर्स में कमजोर होता है, क्या घुमाव में यानी टॉर्शन में, या टेंशन में यानी तनाव में, या दबाव में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या तो इसकी स्ट्रेंथ ही होती है, कंप्रेशन में कभी भी कमजोर नहीं होता है, यह होता है कमजोर सीयर में, जब दोनों तरफ से टूल में खिंचाव आएगा उस टाइम हमारा सीमेंटेड कार्बाइड यूज नहीं होगा, सीमेंटेड कार्बाइड टूल है उसका यूज सीयरिंग फोर्स में, जहाँ पर सीयरिंग फोर्स काम करता है जिस मटेरियल्स में, उस मटेरियल्स के लिए सीमेंटेड कार्बाइड टूल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, 96 क्वेश्चन, कार्बाइड टिप औजार में सामान्यतः रैक कोण होता है, कार्बाइड टिप टूल जनरली हैव रैक एंगल, सो कार्बाइड टिप औजार में जनरली जो रैक एंगल रखा जाता है वह निगेटिव रैक एंगल रखा जाता है, ऋणात्मक रैक कोण रखा जाता है, ऋणात्मक रैक कोण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इस्पात, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात और रॉट आयरन के लिए सर्वोत्तम शीतलक और लुब्रिकेंट है, स्टील और रॉट आयरन, यहाँ पे आपको माइंड कास्ट आयरन के ऊपर नहीं लेके जाना है, वह पूछ रहा है रॉट आयरन,
तो जो स्टील के लिए और रॉट आयरन के लिए जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वह सोल्यूबल ऑयल करते हैं, घुलनशील तेल करते हैं। तो देखिए बेस्ट कूलेंट एंड लुब्रिकेंट फॉर स्टील एंड रॉट आयरन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हमारा सोल्यूबल ऑयल हो जाएगा, जिसमें 1:20 में कटिंग ऑयल एंड पानी का अनुपात होता है, 1:20 में, यानी इसमें 5% हमारा रहेगा कटिंग ऑयल और जो 95% जो हमारा रहता है वह हमारा जल रहता है, पानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड अ लाइन टेंजेंट टू द मशीन सरफेस एट द कटिंग पॉइंट इज नाउ। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं पहले ही उस वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ, जो कि आई बटन में उसकी लिंक दे दी है और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक है, यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो उस वीडियोस को देख लें जिससे एंगल क्लियर हो जाएंगे। तो जो यह बोल रहा है, औजार मुख और काटने की बिंदु पर मशीनगत सतह की स्पर्श रेखा का कोण कहलाता है। तो देखिए वह बोला एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड अ लाइन टेंजेंट टू द मशीन सरफेस एट द कटिंग पॉइंट इज नाउ। तो जो एंगल है वह रैक एंगल होता है, जो कि टूल फेस के और टेंजेंट रेखा और टूल फेस के बीच में जो मशीन सरफेस के टेंजेंट रेखा और टूल फेस के बीच का जो कोण बनता है वह हमारा रैक एंगल होता है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन आप देख रहे हो, काटने की न्यूनतम गति वाला पदार्थ है, जो कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कई पार्ट्स में ये क्वेश्चन आया है, जो कि मटेरियल हैविंग लोएस्ट कटिंग स्पीड। तो हाई कार्बन स्टील का जब टूल यूज करते हैं उसके लिए हम उस सबसे कम कटिंग स्पीड रखी जाती है। यहाँ पे आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम कहाँ सा डलवा लोहा नहीं लगाना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हाई कार्बन स्टील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फाइनल 100 क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वह देखते हैं। उच्च गति इस्पात औजार द्वारा ढलवा लोहा को मशीन में लगाने हेतु औसत काट गति। तो जो हाई कार्बन जो द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर मशीन कास्ट आयरन की मशीनिंग जब हम हाई स्पीड स्टील के टूल से करते हैं तो उसके लिए जो औसत कटिंग स्पीड रखी जाती है वह 22 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे जो कोशीपुर का पेपर क्लियर कराया। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि नई नई वीडियो आपको देखने को मिल सके और आप अपडेट रह सको। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, बाय बाय। यदि सब्सक्राइब आपने किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।